हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की तरफ से आज अखबारों में एक विज्ञापन लगा है और उस विज्ञापन को देखने से स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के लिए इन्होंने जो गारंटियां दी थी हिमाचल की, प्रदेश की जनता को जिस तरह से कैमोफ्लेज किया था पिछले दो बजट के अंदर, उसमें से एक पैसे का काम भी जनता के लिए नहीं किया। ये इनका जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन है, वो सेल्फ स्पीकिंग है। इसके अंदर 22 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना मिलना था, उसका कोई जिक्र नहीं है। एक भी बहन को एक भी पैसा इसके अंदर नहीं मिला। इन्होंने इसमें सारी अपनी दो साल की उपलब्धियां लिखी। इन्होंने कहा था कि हम 100 रुपए लीटर दूध लेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने गारंटी दी थी कि हम 300 यूनिट बिजली पहली कैबिनेट के अंदर फ्री कर देंगे, उसका इसके अंदर कोई जिक्र नहीं। आपने कहा था 1 लाख बेरोजगार युवकों को पहली कैबिनेट के अंदर हम सरकारी नौकरी देंगे, उसका कोई जिक्र नहीं। आपने कहा था हम 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उसका कोई इसके अंदर जिक्र नहीं है। आपने और 2 रुपए किलो गोबर किसान से खरीदने की बात की थी। आपने महिलाओं को विभिन्न प्रकार के और वायदे किए थे, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। अर्थात प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने जो गारंटियां दी थी, जिन मुद्दों को लेकर के वो और चुनाव मैदान में आए थे, जिसके आधार के ऊपर उनको हिमाचल की जनता ने सत्ता में बिठाया था, उन सभी मुद्दों को छोड़ करके एक बार फिर और कांग्रेस पार्टी और प्रदेश की सरकार जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए नए नए मुद्दे लेकर के आ गई है। और ये दोबारा से 2024 के चुनाव में एक वातावरण बनाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। हम हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहते हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ, 22 लाख बहनों के साथ, 20 लाख किसान परिवारों के साथ, 20 लाख बिजली के उपभोक्ताओं के साथ और 5 लाख बेरोजगार युवकों के साथ धोखा किया है। ना तो बजट के अंदर कोई प्रावधान इसके अंदर रखा है और ना ही जो वायदे आपने और आउटसोर्स के कर्मचारियों के साथ किए थे, जो हमारे और छोटे कर्मचारी हैं उनके साथ किए थे, उनको भी कोई वायदा आपने पूरा नहीं किया, ना ही उस वायदे की दिशा में बढ़ते हुए आपके कदम दिखाई देते हैं। ये निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।